स्किन ग्लोइंग क्यों नहीं है, मुझे पिंपल्स दाग ये फेस पर क्यों है, प्रेगनेंसी के बाद इतनी ज़्यादा झाइयाँ मुझे क्यों आ गई हैं। लोगों ने जो बताया हम वो लगाने लगते हैं। कैसे हम अपनी स्किन को हेल्दी एवं ग्लोइंग बनाए रखें, स्किन को बिल्कुल हेल्दी बनाए रखें, हम भी लोगों को अट्रैक्ट करें, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। लोग ग्लोइंग स्किन के लिए दोस्तों ब्लीच, फाउंडेशन, कॉस्मेटिक, इतनी सारी क्रीम यूज करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट जान के आप एकदम हैरान हो जाएंगे। स्किन को ग्लोइंग बनाने रखने के लिए बाहरी देखभाल के साथ साथ आपको इनर देखभाल भी करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है और हम क्या क्या लगाएं, क्या खाएं, किस तरीके से रहें, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देखकर चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपनी स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ देसी आयुर्वेदिक तरीके से हम कुछ घरेलू नुस्खों से देखेंगे कि आपकी अपनी स्किन को हेल्दी एवं ग्लोइंग कैसे बनाए रखना है, कील मुहासों को कैसे ठीक करना है, मेलाजमा, काले दाग धब्बों को कैसे ठीक करना है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे आपने ज़्यादातर सुना होगा, बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो वह यही बताते हैं कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ या पीता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से हमारी जो स्किन है वह हाइड्रेटेड बनी रहती है और स्किन को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहती है, जिससे स्किन जो है ग्लोइंग एवं शाइनी रहती है। और अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन है वह डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन एकदम ड्राई सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स ऐसे खाएं जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई हो, एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड हो, इन सबको अपनी डाइट में ऐड करें। इनसे क्या होता है, हमारी स्किन हेल्दी होती है और प्रॉपर मात्रा में हमारी स्किन को जो है न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ की बात करें तो हमें सबसे पहले ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देना चाहिए, या फिर जो आइस क्यूब होती है उससे अपने फेस पर थोड़ा सा रोज़ सेकाई शुरू कर दें, क्योंकि ठंडा पानी जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। स्किन के अंदर जो भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, उसकी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्किन तक पहुंचने लगता है और स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करती है, इसके ग्लो करने में हेल्प करती है और एकदम हेल्दी स्किन बन जाती है। इसी के साथ साथ यह हेल्प करता है जो हमारी ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करने में, और जो भी हमारे बाहर डर्ट और बैक्टीरिया पॉल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करता है स्किन तक पहुंचने में। इसलिए कोल्ड शावर लेना चाहिए। कोल्ड शावर से आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है, जिससे स्किन की प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना है। आप अपनी बॉडी को नींद अच्छे से दें, इससे भी स्ट्रेस का लेवल है जो बहुत कम हो जाएगा। स्किन केयर रूटीन भी आपको करना है, आपको सुबह उठते ही स्किन की देखभाल करना है, स्किन को एक अच्छे से फेस वॉश से वॉश करें, सुबह फेस वॉश करें, सोने से पहले भी आपको फेस वॉश करना है, आपको दिन में 3 से 4 बार आपके फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करना है या फिर आपको नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चर देना है। इसके लिए आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर जैसे हनी, नारियल का तेल, तिल के तेल जैसी चीज़ें, एलोवेरा भी आप यूज कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग एवं सॉफ्ट बनेगी।
दोस्त, इसके बाद आपको योगा करना है, फेशियल योगा करना है। योगा से स्किन का जो ब्लड फ्लो होता है वह इम्प्रूव हो जाता है, मसल्स की स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है, इससे एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको प्राणायाम करना है, कपालभाति करें। इससे क्या होता है, कपालभाति से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और यह एक लंग्स एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इससे आपको साथ के साथ ही दिन में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपकी स्किन और बॉडी के कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ कुछ आपको फेशियल योगा भी करने हैं। अब हम दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आगे जाके आपके स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, पिंपल, रिंकल्स आपकी स्किन पर निकल सकते हैं, वो है कॉस्मेटिक। आजकल लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज कर रही हैं, पार्टी वियर की थोड़ी सी चीज़ के लिए, फाउंडेशन क्रीम, बीवी क्रीम, ऐसी कई क्रीमें जो मार्केट में आ रही हैं वो यूज करती हैं। तो दोस्तों कॉस्मेटिक में एलर्जेंस, अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और लेटेक्स, कॉस्मेटिक में पैराबेन्स होता है, एल्कोहल, लीड, मरकरी जैसी चीज़ें होती हैं जो कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी इनसे स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो बिल्कुल भी कॉस्मेटिक का यूज बंद कर दें, आप नेचुरल चीज़ें यूज करें। इसके बाद आपको बताएं मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा चंदन का पाउडर, थोड़ा बेसन या एक दो बूंद आप गुलाब जल के मिलाकर फेस पे लगाएं, इससे आपको उसी दिन फ़र्क देखने को मिल जाएगा 100%। और आप इसको हफ्ते में या एक दो हफ्ते में लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग, एकदम शाइनी हो जाएगी। इसके साथ साथ यह आपके एक्सेसिव ऑयल को भी रिमूव कर देती है। इसके बाद आपको पपीते भी लगाना है या पपीते का जूस पिए हैं। दोस्तों पपीता में पपाइन नाम का एक एंजाइम होता है, यह इसके इनके अंदर जाके डेड सेल को रिमूव करता है और स्किन को एकदम ग्लोइंग एवं हेल्दी कर देता है। और स्किन प्रॉब्लम का अहम कारण जो है स्ट्रेस है, इससे पिंपल, एक्ने, बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा देखा गया है। स्ट्रेस से दोस्तों हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है कॉर्टिसोल, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में रिलीज होता है, जिससे स्किन के ऊपर सीबम ग्लैंड में ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो हमारी पोर्स हैं वो बंद हो जाती हैं। इसकी वजह से एक्ने फॉर्म हो जाते हैं और हमारी स्किन एकदम डल हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप मेडिटेशन करें, इससे आपको 15 दिन में ही फ़र्क दिख जाएगा। दोस्तों इस सारी चीज़ें आप सिर्फ 15 दिन तक कर लीजिए, आपको 15 दिन में ही स्किन पर एकदम ग्लो दिखने लगेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, शेयर कीजिएगा।